स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तीन की बात, मैं हूं आपके साथ हिना। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, खुद को गोली मारने वाले निजी सचिव की मौत हो गई है। लोहिया इंस्टीट्यूट में विशंबर दयाल की मौत हुई। सचिवालय में विशंबर ने आठवें माले पर खुद को गोली मारी थी। आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव थे विशंबर दयाल, सचिवालय में आठवें तल पर खुद को गोली मारी। लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान मौत हुई। बीते तीन दिन से लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती थे जहां उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। निजी सचिव विशंबर दयाल की मौत का मामला सामने आया है। खुद को गोली मारने वाले निजी सचिव ने आज दम तोड़ दिया। लोहिया इंस्टीट्यूट में विशंबर दयाल ने दम तोड़ दिया, सचिवालय में गोली मारी थी। आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव थे विशंबर दयाल, आत्महत्या की उन्होंने जब ये प्रयास किया था, तो जब इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी तो पता चल रहा था कि परिवार में किसी परेशानी को लेकर पुलिस की मदद मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि मदद नहीं मिल पा रही थी इस बात से हताश होकर खुद को गोली मार ली थी। आईजी लक्ष्मी सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल ने खुद को गोली मारी थी तीन दिन पहले और आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सूरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सूरज, विशंबर दयाल जिन्होंने तीन दिन पहले खुद को गोली मारी थी, आज दम तोड़ दिया इलाज के दौरान, क्या कुछ अपडेट देंगे? जी देखिए, निजी सचिव विशंबर दयाल की आज लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके लोहिया अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था। काफी दो तीन दिन से उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी और आज उनकी मौत हो चुकी है। सुसाइड नोट में लिखकर वो कुछ दिन पहले बापू भवन में आठवीं तल पर स्थित ऑफिस में खुद को गोली मारी थी। उन्नाव में इनकी बहन के ससुराल को सुसाइड के लिए ठहराया था, जिम्मेदार ठहराया था। जिम्मेदार आईएएस रजनीश दुबे के ये निजी सचिव थे और जिस तरह से इन्होंने अपने बापू भवन कार्यालय में खुद को गोली मारी थी, उसको देखते हुए जो बापू भवन के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी और आज लोहिया अस्पताल में जो कि तीन दिन से उनका इलाज चल रहा था, आज उनकी मृत्यु हो गई है। जी, जांच की गई सूरज, तो पाया गया कि पुलिस को शिकायत करना चाहते थे किसी बात को लेकर और इनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही थी और इस बात से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। आज उनकी जांच चली गई। उस पूरी जांच की अगर बात करें, कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है? जी देखिए, ये लगातार अपने बहन के ससुराल में जो इनकी काफी दिनों से बहस चल रही थी, कुछ पारिवारिक विवाद थे जिनको लेकर इनकी बहस चल रही थी, लेकिन उसमें इन्होंने कई बार पुलिस को शिकायत भी की पर पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिससे ये हताश होके अपने आप को अपने कार्यालय में इन्होंने गोली मार ली अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से। तो जिस तरह से ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही भी देखी गई, जिसमें खुद पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और संज्ञान में लेते हुए वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जी,